हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम शॉर्टिंग एल्गोरिदम का बेस्ट वर्स्ट एंड एवरेज केस एनालिसिस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. राइट, द अमाउंट ऑफ टाइम एंड एल्गोरिदम टेक्स टू प्रोसेस अ गिवन डेटा कैन बी कॉल्ड इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, किसी भी एल्गोरिदम को कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होने में जितना टाइम लगता है उसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहा जाता है. राइट, कोई भी एल्गोरिदम एक प्रोसेस को कम्प्लीट करने के लिए जितना भी टाइम लेती है उसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहा जाता है. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की सेपरेट वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां से जाके देख सकते हैं. राइट, एनी एल्गोरिदम दैट डजंट हैव एनी लूप विल हैव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज वन. अगर कोई भी एल्गोरिदम आप यूज कर रहे हो, राइट, वो क्या है, बिल्कुल सिंपल एल्गोरिदम है, उसमें किसी भी लूप का यूज नहीं किया जा रहा, तो वहां पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वन होती है. सिंस द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड विल बी कॉन्स्टेंट, क्योंकि यहां पे क्या है, जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो कॉन्स्टेंट है. राइट, इरिस्पेक्टिव ऑफ द डेटा साइज सच एल्गोरिदम्स आर नॉन एज कॉन्स्टेंट टाइम एल्गोरिदम्स. तो यहाँ पे एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि कौन सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज होती है. ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कॉन्स्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है. राइट, और यू कैन से कॉन्स्टेंट टाइम एल्गोरिदम्स वो एल्गोरिदम्स होते हैं जो लूप का यूज नहीं करते. राइट, और उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ वन. राइट, एनी एल्गोरिदम दैट हैज अ लूप will have the time complexity as n. right, अगर किसी भी algorithm में loop use होता है तो उसकी time complexity n होती है. n क्या है, number of times that loop will iterate. right, जितने number of times वो loop चलेगा उतना ही उसकी time complexity होती है, because the loop will execute the statement inside its body n number of times. क्योंकि loop क्या करता है, जितना आपने उसको iteration दिया, मतलब number of times जितना वो चलेगा उतने time उसकी body भी क्या होगी, iterate होगी, उतनी बार उसकी उतने टाइम उसकी बॉडी भी प्रोसेस होगी. सच एल्गोरिदम्स आर नॉन एज लीनियर टाइम एल्गोरिदम्स. तो वो एल्गोरिदम्स जो लूप का यूज करते हैं, सिंगल लूप का यूज करते हैं, ओके, उनको लीनियर टाइम एल्गोरिदम्स कहा जाता है. उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ एन. राइट, और ऑर्डर एन. ओके, अ लूप विद इन अ लूप, नेस्टेड लूप. अब एक लूप के अंदर जब दूसरा लूप यूज किया जाता है उसे नेस्टेड लूप कहते हैं. राइट, विल हैव द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेयर. आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ऑर्डर एन स्क्वेयर. राइट, सच एल्गोरिदम्स आर नॉन एज क्वाड्रेटिक टाइम एल्गोरिदम्स. तो वो एल्गोरिदम जो नेस्टेड लूप का यूज करते हैं उनकी उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ऑर्डर एन स्क्वेयर. राइट, इफ देयर इज अ नेस्टेड लूप एंड ऑल्सो अ सिंगल लूप. अगर किसी एल्गोरिदम में नेस्टेड लूप भी यूज हो रहा है और सिंगल लूप भी यूज हो रहा है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द नेस्टेड लूप ओनली. तो उस एल्गोरिदम में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को नेस्टेड लूप के बेसिस पे जज किया जाएगा. राइट, तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ रूल्स बता दिए कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैसे आप मेजर कर सकते हो. राइट, अब हम क्या करेंगे, शॉर्टिंग एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को देखेंगे. ओके, सबसे पहले आपकी जो शॉर्टिंग एल्गोरिदम है वो है बबल शॉर्ट. ओके, इन बबल शॉर्ट वी कंपेयर ईच एडजेसेंट पेयर एंड चेक इफ द एलिमेंट्स आर इन ऑर्डर. तो बबल शॉर्ट में क्या होता है, एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर किया जाता है एंड देन उनका स्वैप किया जाता है, उनकी उनकी पोजीशन को चेंज किया जाता है. राइट, इफ दे आर नॉट, अगर वो करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, वी स्वैप बोथ द एलिमेंट्स. तो एडजेसेंट एलिमेंट को स्वैप कर दिया जाता है. वी कीप डूइंग दिस अनटिल ऑल एलिमेंट्स आर शॉर्टेड. और ये कब तक चलता है, जब तक कि सारे के सारे एलिमेंट शॉर्ट नहीं हो जाते. राइट, तो बबल शॉर्ट में आप बेस्ट वर्स्ट एंड एवरेज केस देखोगे इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. राइट, अब यहाँ पे देखो वर्स्ट एंड एवरेज केस ऑफ बबल शॉर्ट. तो यहाँ पे वर्स्ट एंड एवरेज केस क्या है आपका, ऑर्डर एन स्क्वेयर्ड. ओके, और आप इसको बोल सकते हैं ओ ऑफ एन स्क्वेयर्ड, बिग ओ ऑफ एन स्क्वेयर्ड. राइट, सिंस वी लूप थ्रू एन एलिमेंट्स एन टाइम. तो आप एन एलिमेंट्स को एन टाइम्स उसकी लूपिंग हो रही है, एन बींग द लेंथ ऑफ द एरे. राइट, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बबल शॉर्ट इज एन ओ एन, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेयर ऑफ, और यू कैन सी ऑर्डर एन स्क्वेयर. अब देखो बबल शॉर्ट में आप नेस्टेड लूप का यूज करते हो, ठीक है, जैसे एक यहाँ पे मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया है, बबल शॉर्ट का नहीं है बट नेस्टेड लूप का है.
तो एक आपका आउटर लूप हो गया, राइट, एक आपका इनर लूप हो गया. आपका आउटर लूप एन टाइम्स चलेगा, आपका इनर लूप एन टाइम्स चलेगा. और इसके इनर लूप के अंदर आपकी स्टेटमेंट्स हैं, जो स्टेटमेंट्स क्या हैं, कांस्टेंट, राइट. तो यहाँ पे जो टोटल टाइम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट इनटू नंबर ऑफ स्टेप्स इन आउटर लूप इनटू नंबर ऑफ स्टेप्स इन इनर लूप, राइट. तो ये आपका आ गया सी एन स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे कांस्टेंट को हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे. तो आपका यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा, ऑर्डर एन स्क्वेड, राइट. ओके, तो देखो यहाँ पे बबल शॉर्ट के केस में भी आप नेस्टेड लूप का यूज़ करते हो, फाइन. नेस्टेड लूप का यूज़ होता है, जो इनर लूप होता है वो क्या होता है, फॉर वन इटरेशन, एंड आउटर लूप फॉर डिफाइनिंग द नंबर ऑफ इटरेशन. ओके, इनर लूप होता है वो क्या होता है, इनर लूप इज़ फॉर द इटरेशंस, राइट. वो इटरेट करता है, एलिमेंट्स को इटरेट करता है. और आउटर लूप की हेल्प से आप क्या डिफाइन करते हो, नंबर ऑफ इटरेशन के, कितने नंबर ऑफ इटरेशंस वो चलेगा, राइट. तो यहाँ पे क्या, सिंस वी लूप थ्रू एन एलिमेंट्स, आप एन एलिमेंट्स को इटरेट करते हो एन टाइम्स, राइट. एन एलिमेंट्स को आप इटरेट करते हो एन टाइम्स, एन बीइंग द लेंथ ऑफ द एरे, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल शॉर्ट बिकम्स ऑर्डर एन स्क्वायर. समझ आया? तो यहाँ पे वर्स्ट केस और एवरेज केस दोनों में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर एन स्क्वायर, राइट. अब बेस्ट केस देखते हैं. बेस्ट केस में इवन इफ द एरे इज शॉर्टेड, अगर आपका एरे शॉर्टेड भी है, द एल्गोरिदम चेक्स ईच एडजेसेंट पेयर एंड हेंस द बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी द सेम एज द वर्स्ट केस. अब देखो बबल शॉर्ट में क्या होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं एडजेसेंट एलिमेंट्स, उन सबको कंपेयर किया जाता है. अगर आपका एरे शॉर्टेड है तब भी आप एंड तक कंपेयर करोगे ये देखने के लिए कहीं कोई अनऑर्डर्ड एलिमेंट तो नहीं है. तो उस केस में भी क्या है, आप एन नंबर ऑफ कंपेरिजन कर रहे हो, राइट. एन नंबर ऑफ कंपेरिजन कर रहे हो तो इसके बेस्ट केस भी इसका क्या होगा, ऑर्डर एन स्क्वायर. यहां पे हम क्या करेंगे, एडजेसेंट लूप का यूज करते हैं. ओके, अगर आपके पास मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हैं, तो ये कितने टाइम्स इटरेट करेगा, ये 4 टाइम्स इटरेट करेगा. तो आउटर लूप आपका डिफाइन करेगा कि 4 टाइम इटरेट्स करेगा, और इनर लूप की हेल्प से आप इसको इटरेट करोगे, राइट. 5 एलिमेंट्स को आप 4 टाइम्स इटरेट करोगे, ठीक है. बबल शॉर्ट की वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां से जाके देख सकते हैं. यहां पे आप सिंपली इतना समझ लो कि बबल शॉर्ट का वर्स्ट केस एंड एवरेज केस ऑर्डर एन स्क्वायर्ड होता है, और बेस्ट केस भी ऑर्डर एन स्क्वायर्ड होता है. ओके, अब देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है बबल शॉर्ट की. स्पेस क्या होता है, द मेमोरी ऑक्यूपाई बाय द एल्गोरिदम, राइट. जितना मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करता है एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम, वो उसका क्या होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन करता है, राइट. तो यहाँ पे इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर 1, और कॉन्स्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. नो एक्स्ट्रा मेमोरी इज यूज अपार्ट फ्रॉम द ओरिजिनल एरे. तो इस बबल शॉर्ट में सिर्फ आपका एक एरे यूज हो रहा है जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, शॉर्टिंग कर रहे हो, राइट. बाहर से कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट एड ऑन नहीं हो रहा है. तो जो एरे ने जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया थ्रू आउट द एल्गोरिदम, वही स्पेस ऑक्यूपाई रहेगा, राइट. सो द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर 1, ठीक है. और यू कैन से कॉन्स्टेंट टाइम, सॉरी कॉन्स्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव द सिलेक्शन शॉर्ट. ओके, इन दिस शॉर्टिंग एल्गोरिदम वी एज्यूम दैट द फर्स्ट एलिमेंट इज द मिनिमम एलिमेंट. सिलेक्शन शॉर्ट में क्या आप क्या कंसिडर करते हो, जो आपका जीरो इंडेक्स पे एलिमेंट होता है वही मिनिमम एलिमेंट है. देन वी चेक टू सी इफ एन एलिमेंट लोअर देन द एज्यूम्ड मिनिमम इज प्रेजेंट इन द रेस्ट ऑफ द एरे. फिर आप क्या करते हो, जीरो इंडेक्स के एलिमेंट को बाकी इंडेक्स के एलिमेंट के साथ कंपेयर करते हो, राइट. ये देखने के लिए क्या इससे भी छोटा कोई एलिमेंट है, अगर उससे कोई छोटा एलिमेंट होता है तो स्वैपिंग हो जाती है दोनों के बीच में, राइट. इफ देयर इज, we swap the assumed minimum and the actual minimum, otherwise we move on to the next element. ऐसे क्या होता है, जो आपका जीरो इंडेक्स का एलिमेंट है वो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ कंपेयर करता है अपने आप को, राइट. तो यहाँ पे कंप्लीट जो आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सबको ट्रेवर्स करना पड़ेगा, राइट. तो यहाँ पे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर एन स्क्वायर्ड. सिंस वी ट्रेवर्स टू द रिमेनिंग एरे टू फाइंड द मिनिमम फॉर ईच एलिमेंट, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बिकम ऑर्डर एन स्क्वायर्ड. अब यहाँ पे देखो पूरे एरे को आपको ट्रेवर्स करना पड़ेगा, जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो जितने भी एलिमेंट्स है उनके साथ कंपेरिजन करता है. तो उसके वर्स्ट केस
और एवरेज केस दोनों केस में ही क्या है, आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर एन स्क्वायर्ड है। इसमें नेस्टेड लूप का यूज़ होगा, एक जो आउटर लूप होगा वो नंबर ऑफ इटरेशंस डिफाइन करेगा और जो इनर लूप होगा वो क्या करेगा, इटरेट करेगा उतने टाइम्स जितने टाइम्स आपने आउटर लूप में डिफाइन किया है, राइट ओके। अब देखो यहाँ पे बेस केस क्या है, यहाँ पे बेस केस भी ऑर्डर एन स्क्वायर्ड है। क्यों है? क्योंकि इवन इफ द एरे हैज़ ऑलरेडी बीन शॉर्टेड, अगर आपका एरे शॉर्टेड भी है, आर एल्गोरिथम लुक्स फॉर द मिनिमम इन द रेस्ट ऑफ द एरे, जो आपका जीरो इंडेक्स पे एलिमेंट है वो कंप्लीट एरे को ट्रेवर्स करेगा बार बार, मतलब देखने के लिए। वर्स्ट केस में भी एक वन टाइम तो उसको कम्प्लीटली ट्रेवर्स करेगा ही करेगा, ये देखने के लिए क्या उससे कोई छोटा एलिमेंट है या नहीं है, राइट। एज अ रिजल्ट द बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज द सेम एज द वर्स्ट केस। तो इसमें बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस एंड एवरेज केस सेम है, ऑर्डर एन स्क्वायर्ड, राइट। नाउ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिलेक्शन शॉट, नो एक्स्ट्रा मेमोरी इज यूज्ड अपार्ट फ्रॉम द ओरिजिनल एरे, सो द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर वन, ओके। कॉन्स्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो यहाँ पे सिर्फ एक एरे यूज हो रहा है और कोई एक्स्ट्रा एड ऑन हमने डेटा नहीं लिया है और एरे पे ही शॉर्टिंग हो रही है, तो यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कॉन्स्टेंट है, ऑर्डर वन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, राइट ओके। नेक्स्ट वी हैव द इंसर्शन शॉट, ओके। इन दिस मेथड द फर्स्ट इटरेशन स्टार्ट्स विद द कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट विद द जीरोथ एलिमेंट। इंसर्शन शॉट में क्या करते हो, आप फर्स्ट एलिमेंट का कंपैरिजन करते हो जीरो इंडेक्स के एलिमेंट के साथ, राइट। फिर आप सेकेंड जो आपका इंडेक्स का एलिमेंट होता है उसका कंपैरिजन करते हो वन के साथ एंड जीरो के साथ। फिर आप थर्ड का कंपैरिजन करते हो किसके साथ, टू के साथ, देन वन के साथ, देन जीरो के साथ, और ऐसे अगर स्वैपिंग होती जाती है, स्वैपिंग नहीं होती, यहाँ पे एलिमेंट शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। देखो, इन द सेकंड इटरेशन सेकंड एलिमेंट इज कंपेयर्ड विद द जीरोथ एंड फर्स्ट एलिमेंट, इन जनरल इन एवरी इटरेशन एन एलिमेंट इज कंपेयर्ड विद ऑल द एलिमेंट्स बिफोर इट। तो यहाँ पे क्या है, जो एलिमेंट्स हैं जैसे फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट सबसे पहले कंपेयर करेगा, देन सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट अपने आप को कंपेयर करेगा, तो क्या जो भी एलिमेंट्स हैं वो अपने आगे वाले एलिमेंट से अपने आप को कंपेयर करते हैं, राइट। आपको शॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, शॉर्टिंग प्रोग्राम्स इन पाइथन मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, वर्स्ट केस इन एवरेज केस। तो वर्स्ट केस इन एवरेज केस क्या है, आपका ऑर्डर एन स्क्वायर्ड। इन वर्स्ट केस सिचुएशन द एरे इज शॉर्ट इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। एरे जो शॉर्ट हो रहा है वो एक रिवर्स ऑर्डर में शॉर्ट हो रहा है, सो फॉर ईच एलिमेंट वी हैव टू कीप ट्रेवर्स एंड स्वैपिंग एलिमेंट्स टू द लेफ्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टू द लेफ्ट एलिमेंट स्वैप हो रहे हैं, ओके। बार बार कंपेयर होगा, आपका फर्स्ट एलिमेंट जीरो से फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट जीरो इंडेक्स के साथ कंपेयर करेगा, अगर स्वैपिंग हो सकती है स्वैप होगा, देन सेकंड फर्स्ट के साथ भी कंपेयर करेगा, जीरो के साथ भी कंपेयर करेगा, अगर स्वैपिंग होगी तो वो करेगा, ठीक है। इस टाइप से जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपने आगे वाले एलिमेंट्स के साथ एक रिवर्स ऑर्डर में कंपेरिजन करते हैं। तो यहाँ पे एवरेज केस इन वर्स केस आपका हो गया ऑर्डर एन स्क्वायर्ड, राइट ओके। अब बेस्ट केस देखेंगे, इन द बेस्ट केस आर एरे इज ऑलरेडी शॉर्टेड। मान लो आपका कंप्लीट एरे शॉर्टेड है, सो फॉर ईच एलिमेंट वी कंपेयर आर करंट एलिमेंट टू द एलिमेंट एट द लेफ्ट ओनली वंस। तो अगर शॉर्टेड है तो आप क्या करोगे, सिर्फ फर्स्ट को ही जीरो के साथ कंपेयर करके देख लोगे, बाकी क्या होगा आपका शॉर्ट होगा। सिंस द ऑर्डर इज करेक्ट वी डोंट स्वैप एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट एलिमेंट, तो आप आगे के एलिमेंट्स पे नहीं जाओगे, हेंस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर एन। तो यहाँ पे आपकी बेस्ट केस में इंसर्शन शॉर्ट में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर एन, राइट। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी, नो एक्स्ट्रा मेमोरी इज यूज्ड अपार्ट फ्रॉम द ओरिजिनल एरे, सो द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज कॉन्स्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज ऑर्डर वन, ओके ओके। एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।